नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। मध्यकालीन भारत के इतिहास श्रृंखला का यह पहला पार्ट है और आज के इस पार्ट में बात करेंगे गुलाम वंश की। गुलाम वंश के जो भी प्रारंभिक शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, इनकी चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। इसके अलावा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि इसके पहले आप हमारी जो भी पीडीएफ फाइल्स थी किसी भी सब्जेक्ट की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करते थे, लेकिन आगामी कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्स को देखते हुए कुछ स्पेशल पीडीएफ्स बनाई गई हैं जिनका जो है कुछ नॉर्मल चार्ज पर आपको उपलब्ध होंगी, जिसकी जानकारी आप इन नंबरों से कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इन पर आप इन पीडीएफ से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुलाम वंश के प्रारंभिक शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, और ये कब की? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तो इसने अपना जो भी शासन जिस पे वो शासन करता था, जो भी क्षेत्र उस पर विजित था, वो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा। तो इस तरीके से जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि एक गुलाम था, तो इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। जिस समय गोरी की मृत्यु हुई उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का गवर्नर था। जो ऐबक था वो उस समय दिल्ली का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जून 1206 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ वो कहाँ हुआ? 1206 ईस्वी में लाहौर में हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक लाहौर से ही शासन किया। इसका जो शासन काल था वो 4 वर्ष का था, 1206 से 1210 ईस्वी तक। तो इसने अपना शासन लाहौर से ही किया, जहाँ इसका राज्याभिषेक हुआ इसने वहीं से अपना शासन भी किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो ध्यान था वो सबसे अधिक था अपने राज्य के सशक्तिकरण पर। इसने राज्य के विस्तार पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जबकि इसका जो ध्यान था वो था कि जितना भी इसका साम्राज्य है वो सशक्त हो। तो इसने साम्राज्य के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो सुल्तान के रूप में मान्यता मिली वो 1208 ईस्वी में मिली। हालांकि 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना की, लेकिन क्योंकि यह एक गुलाम था मोहम्मद गोरी का, तो इसको सुल्तान के रूप में जो मान्यता मिली वो 1208 ईस्वी में मिली। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श इसका मतलब होता है लाखों का दान करने वाला, तो लाख बख्श के नाम से भी इसको जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कुव्वतुल इस्लाम जो कि एक जैन मंदिर को तोड़ करके बनाया गया, और जो 2.5 दिन का झोपड़ा था वो भी एक विशेष इमारत जो कि एक संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था, तो इनको तोड़ करके इसने इन इमारतों को बनवाया। चाहे वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हो या फिर 2.5 दिन का झोपड़ा, तो एक जैन मंदिर और एक संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़ करके उनके स्थान पर इन इमारतों को बनवाया गया था। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में हुई, और ये कैसे हुई? चौगान पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई। एक पोलो जो कि एक खेल होता है, तो इस खेल को खेलते समय लाहौर में इसकी मृत्यु हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में ही दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा दी जाती है। हातिम द्वितीय की संज्ञा कुतुबुद्दीन ऐबक को दी जाती है, और ये क्यों दी जाती है? उसकी दानशीलता और उसकी उदारता के कारण। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। तो दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही उसका प्रारंभ कराया था बनवाना। तो ये किसकी याद में बनाया था? ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी स्मृति में यह कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। इसका जो सहायक सेनापति था वो बख्तियार खिलजी था। इसके ही द्वारा
नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसको नष्ट किसने किया था, तो इसको नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। और बख्तियार खिलजी कौन था, ये ऐबक का सहायक सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र कौन हुआ, आराम शाह। लेकिन आराम शाह एक अयोग्य शासक था, उसने सिर्फ और सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने की। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ऐबक की मृत्यु हुई और उसके बाद 8 माह तक आराम शाह ने शासन किया। इसके बाद इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश का पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इल्तुतमिश जो था वो तुर्किस्तान का एक इल्बरी तुर्क था। ये कहाँ का था, तुर्किस्तान का एक इल्बरी जाति का तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार था। जिस समय ऐबक का शासन था तो उस समय यह बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश के द्वारा चालीसा दल का गठन किया गया। और ये किसके द्वारा किया गया, इल्तुतमिश के द्वारा। इस दल को तुर्कान ए चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। जो चालीसा दल है इसको तुर्कान ए चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। इस दल में कौन कौन शामिल था, तो इस दल में जो भी शासक था उसके 40 विश्वासी गुलाम सरदारों का एक गुट था। इसमें कौन था, 40 विश्वासी गुलाम सरदार थे और इनका पूरा एक गुट था जिसको चालीसा दल के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश को वास्तविक सुल्तान का दर्जा 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा से प्राप्त हुआ। इल्तुतमिश को वास्तविक रूप से सुल्तान का दर्जा कब मिला, 1229 ईस्वी में, और भी किसके द्वारा, बगदाद के अब्बासी खलीफा से प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने ही चलवाए थे। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे, वो किसने चलवाए थे, इल्तुतमिश ने। तो अरबी सिक्के चलवाने का श्रेय किसको जाता है, इल्तुतमिश को ही जाता है। इसके अलावा इल्तुतमिश ने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टका और तांबे की जीतल को भी प्रारंभ कराया था। चांदी के टका और तांबे की जीतल का जो प्रारंभ कराया वो इल्तुतमिश ने ही कराया। एकता व्यवस्था की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने ही की थी। इल्तुतमिश के द्वारा एकता व्यवस्था की भी शुरुआत की गई थी। राजधानी को लाहौर से दिल्ली इल्तुतमिश ने ही स्थानांतरित किया। सबसे पहले जो राजधानी थी वो लाहौर थी, तो लाहौर से दिल्ली कौन लाया, तो लाहौर से दिल्ली राजधानी इल्तुतमिश के द्वारा स्थानांतरित की गई। भारत में सबसे पहले मकबरा निर्मित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। इल्तुतमिश ने ही भारत में मकबरा बनाने की पद्धति को शुरू किया था। मंगोलों का प्रथम आक्रमण से इल्तुतमिश ने ही बचाया था। उस समय जब इल्तुतमिश शासन था तब मंगोलों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, और मंगोलों के आक्रमण से भारत को इल्तुतमिश ने ही बचाया था। मंगोलों ने 1221 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहले मंगोलों ने 1221 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, और उस समय भारत में जो शासन था वो इल्तुतमिश का था। जब 1221 में मंगोलों ने आक्रमण किया तो उस समय पूरे मध्य एशिया में मंगोलों का जो राजा था वो कौन था, चंगेज खां था। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब सबसे पहले मंगोलों ने आक्रमण किया तो उस समय उसका राजा कौन था, तो उस समय उसका राजा कौन था, चंगेज खान। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई, 1236 ईस्वी में हुई। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने अपना जो उत्तराधिकारी घोषित किया वो किसको किया, अपनी पुत्री रजिया को किया। अपनी पुत्री रजिया को इसने उत्तराधिकारी घोषित किया, और इसने सुल्तान के पद को वंशानुगत भी बनाया। इसके द्वारा जो सुल्तान पद था वो वंशानुगत बनाया गया कि सुल्तान के मरने पर उसका ही कोई वंशज सुल्तान पद धारण करेगा। तो इसने अपना जो उत्तराधिकारी बनाया वो रजिया को बनाया। लेकिन इसके बाद भी कई अन्य घटनाएं घटित हुई, तो उनकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट शासक की चर्चा करेंगे, और
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।